आज फिरका परस्ती हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से सर उठा रही है वो इंतहाई शर्मनाक चीज है, और उसका अंजाम खुद खुदा ना खास्ता अगर ये चीज चलती रही तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों मुल्क देखेगा और तबाही को अपनी आंखों से और बर्बादी को देखे। हम इसके मुखालिफ है। हम कहते हैं कि मुल्क कोई भी दुनिया के अंदर जब ही पनप सकता है जब वो मुल्क की हुकूमत अपने बसने वाली जनता के अमन व अमान की जमानत देने वाली बने। उस मुल्क के लिए हर एक शख्स के लिए एक ही पैमाना हो, दो पैमाने ना हो। हम ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट दो पैमाने रखती है और अकलियत और अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर वो भेदभाव करती है, उसकी आंखों के सामने अमन लुटता है और वो मुंह में बताशा रखे हुए खामोश है, तो ये चीज खुश आयंद नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसकी नुसरत को सारा मुल्क अपने आंखों से देखेगा। जमीयत उलमाए हिंद इस चीज को मुल्क के लिए इंतहाई बर्बादी का सबब समझती है। हम अपनी जगह खड़े हैं, हम कोई सियासी जमात नहीं है, हम न इलेक्शन लड़ते हैं न इलेक्शन लड़ाते हैं, मगर हम कौम को बेदार तो कर सकते हैं। हम ये कह तो सकते हैं कि क्या हो रहा है, दस्तूर को क्यों जूतों से मसला जा रहा है, आग क्यों लगाई जा रही है। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी मुल्क की आजादी के लिए, जेलों को आबाद किया था, उन्होंने दस्तूर बनाया था, आज वो लोग जिनकी उस आजादी की तारीख के अंदर दो कौड़ी का भी हिस्सा नहीं है, क्यों आग लगा रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मुल्क को उस तरह चलाओ जिससे मुल्क की जड़ें मजबूत हो और मुल्क इंतहाई अमन अमान का मुल्क बन सके। जमीयत उलमाए हिंद अपने उसी मौके के ऊपर आज भी कायम है। हम फसादात के अंदर या सैलाब की तबाही और बर्बादी के अंदर या जलजलों की शक्ल के अंदर जहां भी तबाही और बर्बादी आती है हम सब के लिए खड़े होते हैं। हमारे नजदीक हिंदू मुस्लिम या ईसाई का कोई इम्तियाज नहीं है। जहां हमने काम किया है और वहां मुख्तलिफ फिरके मुसीबत की जद में हैं, हम उन तमाम फिरकों को एक तरह देखते हैं, उसके अंदर मुसलमान और गैर मुस्लिम के कैद नहीं करते। हमने इससे पहले तबाही आई बिहार में काम किया, उसके बाद बंगाल में काम किया, बंगाल में तूफान आया, समंदरी तूफान आया जिसने तहोबाला करके रख दिया। हमारे एक एक कैंप के अंदर 2800 आदमी सुबह और 2800 आदमी शाम को खाना खाते थे। कोई तमीज नहीं थी कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। तबाही जब आई है तूफान की तो मजहब देखकर और पूछकर नहीं आई है। हम मदद ली मजहब पूछकर और मजहब देखकर नहीं करेंगे। जब हमने काम किया केरला के अंदर फसाद की तबाही आई, हमने मकानों की मरम्मत और मकानों को बनाने की जिम्मेदारी ली तो एक मकान पर 4 लाख का खर्चा आया। उसके अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। मरम्मत कई 100 मकानों की गई, कभी इम्तियाज नहीं किया गया कि कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन मुसलमान है। हम आज तबाही आई है खोखन के एरिए में, महाराष्ट्र में। मैंने सबसे पहले जमीयत के कारिंदों को जो पैगाम दिया उसमें ये बात कही कि हिंदू मुसलमान की कोई कैद मत रखना।
हमारा ये काम नहीं है, हमारी ये तारीख नहीं है, हम हर एक की मदद करते हैं। चुनाचे उन्होंने देखा कल को वो लोग दिल्ली आ रहे हैं और आकर के वो पूरी रिपोर्ट परसों वर्किंग कमेटी के अंदर पेश करेंगे और ये बताएंगे कि उन्होंने कितने मुसलमानों का सर्वे करके प्रोग्राम बनाया है मदद करने का, यानी मकानात के सिलसिले में, और कितने हिंदू हैं और कितने ईसाई हैं वो बताएंगे। हमें जितनी खुदा तौफीक देगा हम उनकी मदद करेंगे। हम मदद करते हैं वो हमारा कोई काम नहीं है, हमारा पैसा नहीं है, हमें तो मुसलमान एक तरफ से एक हाथ में देता है, हम दूसरे हाथ से उसको खर्च कर देते हैं। हकीकत ये है कि काबिल मुबारकबाद इस मदद की के काम के अंदर हम नहीं है, हमारी मदद करने वाले लोग जो हमारे ऊपर एतमाद करते हैं आते हैं, आकर के हमारी मदद करके चले जाते हैं। हम उसको अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर देते हैं। यही सूरत हाल यहां के फसादात के अंदर, जिस वक्त फसादात हुए उस वक्त अखिलेश की हुकूमत थी, अखिलेश की हुकूमत थी। इस हुकूमत के अंदर हमने गवर्नमेंट से कहा कि जो लोग लुट गए पिट गए, इनमें कुछ तादाद हिंदुओं की भी है और ज्यादा बड़ी तादाद मुसलमानों की है, आप हर आदमी को 5 लाख रुपये दीजिए ताकि वो कम से कम दूसरी जगह जाकर अपनी झोपड़ी तो बना सके। हम ये बात कहते हैं कि अखिलेश गवर्नमेंट से पहले किसी गवर्नमेंट ने फसाद में उजड़े हुए लोगों की इतनी मदद नहीं की थी। 100 करोड़ रुपये से ज्यादा हमने मदद कराई है, मैं उसका गवाह। हर आदमी को 5-5 लाख रुपये दिए गए, जिनका सबूत मुहैया हो गया। दिल्ली बुला करके उनको 5 लाख रुपये दिए और मुलायम सिंह जी ने उसका वादा किया, हमने अपने सामने दिलवाए उन लोगों। ये हम समझते हैं कि एक अच्छा काम था जो कभी नहीं हुआ था, हुआ। फिर उसके बाद हमने मकानात को बनाने का सिलसिला शुरू किया। हमने कभी किसी से सवाल नहीं किया, हमने कोई ऐलान नहीं किया। आज तक किसी चीज के अंदर कहीं मदद के सिलसिले में कोई कह नहीं सकता कि हमने किसी से कहा हो कि हमें पैसा दो हम मदद करें। हमने इस सिलसिले में नहीं किया, हमने गवर्नमेंट से भी मदद नहीं दी, हमने अखिलेश गवर्नमेंट से भी मदद नहीं दी, मुलायम सिंह के सिवे एक पैसा हराम है अगर हमने मदद दी। मुसलमान ने हमें दिया और हमने उसको खर्च कर दिया। इससे पहले हम 300 से ज्यादा मुख्तलिफ जगहों पर मकानात बना चुके हैं। आखिर में हमारी बात यह आई कि हम यहाँ एक कॉलोनी बनाएं, क्योंकि ये जगह मुजफ्फरनगर से करीब है और यहाँ से लोग, ये गरीब लोग सुबह को साइकिल पर बैठकर शहर में जा सकते हैं और जाकर दिन भर मजदूरी कर सकते हैं और शाम को फिर अपने घर वापिस आ सकते हैं। चुनांचे हमने यहाँ 151 मकान बनाए। जमीयतुल हमा का इनके ऊपर 2,09,27,633 रुपया खर्च हुआ है। ये मकानात 151 मकानात है, इनमें से कुछ मकानात हमने पहले दे दिए थे, कुछ मकानात बाद में आज आप लोगों के सामने उसकी चाबी देंगे। हकीकत यह है कि हम इस सिलसिले के अंदर जो कुछ कर सकते हैं, जानते हैं कि यह कुछ भी नहीं, मगर जो है
जितनी मदद हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमें खुदा की दाद से उम्मीद है कि इनके लिए और इनके बच्चों के लिए, औरतों के लिए और मर्दों के लिए ये इत्मीनान के साथ रहने का एक सहारा होगा। मैं समझता हूँ कि बागवानी के लोगों के लिए भी इंतहाई खुशायन चीज है। हमने वहां मस्जिद भी बनाई है जिसको आप लोग देखेंगे, हमने वहां मकतब का इंतजाम भी किया है और हमने वादा किया है कि आप इस मस्जिद के इमाम और मकतब के मुदर्रिस की तनख्वाह हम जब तक जिंदा हैं अल्लाह चाहे देते रहेंगे। रह गया स्कूल, मैं हजरत मोहतमीन साहब से कह भी चुका हूं और मैं फिर गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों को स्कूल में ले जाने के लिए, प्राइमरी से लेकर के आगे तक पढ़ाने के लिए हजरत मोहतमीन साहब इस मदरसे के अंदर कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ये बच्चे जो आज बेसहारा हैं इनको मदरसे से और बाहुबली के रहने वाले लोगों से सहारा मिलेगा और ये इज्जत और आबरू के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इनके तामीर के अंदर हाजी साहब, हाजी सईद जमा साहब और मौलाना मुर्तजा साहब वगैरह ने कोशिश की है, मैं इनकी कोशिश को बड़ी कदर की नजर से देखता हूँ। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। सिसौली के हाजी साहब हैं, उन्होंने भी इस मसले के अंदर ताउन किया है, लोगों की लिस्ट उन्होंने बनाई है, ये तमाम काम हुए हैं। जिन जिन लोगों ने इसके अंदर ताउन और मदद की है मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको तरक्की अता फरमाए और उनकी मसाई को कबूल करे। जो हजरात हमारा मसला ये हुआ कि मकानात तो ये कब के दे दिए जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन लग गया और हमारी सारी मेहनत जो हम कर रहे थे वो मौकूफ हो गई। इसमें तकरीबन 2 साल गुजर गए। हमने इस मसले के अंदर लॉकडाउन के अंदर भीड़ आई, फिर असरना शुरू किया। बिजली का काम बहुत हो चुका है और करीब आज दोपहर तक या शाम तक हर घर के अंदर बिजली इंशाल्लाह आ जाए। शादिया सखी मुस्तकीम मुदा, मुस्तकीम मुदा साइना जोड़े बार, साइना 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 इमान साइना आप ही